बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर हम बात करेंगे फिल्मों की और बालाघाट से उसके कनेक्शन की। जी हाँ, 1963 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नर्तकी, और इस फिल्म के प्रमुख जो कलाकार थे वो थे सुनील दत्त, और इसकी शूटिंग हुई थी बालाघाट शहर में, बालाघाट जिले में, और बालाघाट शहर के विभिन्न स्थानों में। जिन स्थानों को आप इन सीन्स में, आप इन दृश्यों में देख सकते हैं, वो स्थान थे पीजी कॉलेज, साथ ही शंकर जो घाट है, शंकर घाट, इसके अलावा रेंजर्स कॉलेज, डेंजर रोड, ये तमाम वो स्थान है जो हमेशा से हमारी फिल्मी दुनिया के लिए बहुत पसंदीदा स्थान रहे हैं। वैनगंगा नदी का ये तट, बालाघाट जो शहर बसा हुआ है, इसकी खूबसूरती हमेशा से फिल्मी दुनिया को आकर्षित करती रही है। और इसके इतने सालों बाद, यानी कि करीब 70 साल बाद, एक बार फिर से ये चर्चा में आया है, तब जब एक बार फिर बालाघाट की इन हरी भरी वादियों को याद किया गया फिल्म जो इंडस्ट्री की ओर से, और बनी फिल्म शेरनी। और शेरनी के जो स्टार कास्ट हैं, जिसमें विद्या बालन है, उन्होंने अपनी बात कही है हाल ही में, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्हें कहा था कि जो इतनी खूबसूरती है वो एक ही जगह पर एक साथ सिर्फ बालाघाट में देखने को मिलती है। इन अ प्लेस कॉल्ड बालाघाट व्हिच इज नियर नागपुर, इतनी खूबसूरती एक जगह में मैंने कभी नहीं देखी। तो आपने सुना कि किस तरह से वो कह रही हैं कि बालाघाट उनको बहुत पसंद आया और यहाँ पर शूट करके उन्हें अच्छा लगा। यही जो प्रतिक्रिया है, जो भी बालाघाट आता है हमेशा उसकी ये प्रतिक्रिया होती है। बहुत सारी फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं, लेकिन वो हुई है कान्हा के नेशनल पार्क में या उसके आसपास के जंगलों में। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जिसमें कई अंग्रेजी फिल्में भी हैं यहाँ पर शूट हुई हैं, लेकिन प्रमुख हिंदी फिल्मों में ये खास बात है। और अब एक बार फिर से मौका मिलने वाला है एक फिल्म जिसमें स्टार है अर्जुन रामपाल। जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि ये वही चर्चित फिल्म है जिसमें 100 साल पुराना इतिहास फिर से दिखाया जाने वाला है, और इसके लिए चुना गया है बालाघाट। बालाघाट की वो नदी जहां पर इस फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जाएगा। और इस फिल्म के लिए बालाघाट के बहुत सारे कलाकारों को मौका भी मिलने वाला है, और पिछले दिनों इसी वजह से बालाघाट में एक ऑडिशन यहाँ पर लिया गया था जिसमें बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया और कई कलाकारों ने उसमें भाग लिया, और इन्हीं कलाकारों को मौका दिया जाने वाला है बालाघाट के वो सारे स्थान जो आपने पहले भी फिल्मों में देखे हैं एक बार फिर से। एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इस फिल्म में भी आप इन स्थानों को देख पाएंगे। बिल्कुल आपके इस शहर में होंगे अर्जुन रामपाल, सनी लियोनी और भी बड़े बड़े कलाकार जो कि आपके इसी शहर में आकर एक बार फिर से परफॉर्म करेंगे, एक बार फिर अपनी अदाकारी यहां पर दिखाएंगे, और जिसके बैकग्राउंड में होगा हमारा ये डेंजर रोड, हमारी ये वैन गंगा नदी, और ये बहुत ही प्राकृतिक जो हमारे स्थान है वो, इसके अलावा कुछ गांव भी, बिल्कुल। और इसी बारे में आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं कि आपको भी इस फिल्म में काम करने का मौका मिल सकता है। आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से, कई लोगों के ये सवाल थे कि आखिर ये फिल्म यहाँ शूट होने वाली है या नहीं, यानी बालाघाट के कलाकारों को इसमें मौका मिलने वाला है या नहीं। तो आपके सभी सवालों का आज मिलेगा जवाब हमारे साथ रमेश थिएटर फिल्म्स के प्रमुख जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं इस द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इस फिल्म के। आप इस कंपनी के सीईओ हैं, हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी। ये जो बालाघाट को आपने चुना, इसकी कोई खास वजह? देखिए, बालाघाट वैसे भी हरी भरी धरती है और लैंडस्केप बहुत अच्छा है। चूँकि मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, और जब हमने इसका विजिट किया था, लोकेशन देखा था हमने, तो बड़ा ही खूबसूरत और
इस फिल्म के लिए बिल्कुल माकूल जिसको कहते हैं जी, एप्रोप्रिएट परफेक्ट वो हमें लगा जी। और इसलिए ये जो क्लाइमैक्स है फिल्म का जो बाकी है अभी वो बालाघाट में ही फिल्माया जाएगा और वहाँ पर नदी तो है ही है, इसके अलावा नदी के इस पार एक गांव है जी। उस गांव में भी इसकी शूट होगी, क्लाइमैक्स का पार्ट है वो जी, जी। और फिर जब बालाघाट में ये फिल्म शूट हो रही है, मतलब होने वाली है, क्लाइमैक्स का शूट होने वाला है, तो जो बालाघाट के कलाकार हैं उनको भी मौका मिलेगा जी, जी जी जी। तो बहुत सारे कलाकार इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब मौका मिलेगा और कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑडिशन तो दिया है लेकिन अभी रिजल्ट इसके जारी नहीं हुए हैं। तो क्या ये जल्द ही शूट होने वाला है या कुछ समय है अभी, क्योंकि सभी को ये पता है कि कोरोना काल है और इस दौरान ये स्थिति निर्मित हुई है, तो कब होने वाला है ये? देखिए, कंपनी की तरफ से इसका ऑडिशन हुआ है जी और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उसमें आए हैं, हमने देखा है, और बहुत लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है और हम करेंगे भी। लेकिन और एक थोड़ा माइक्रोस्कोपिक जिसको कहते हैं शॉर्टलिस्ट करेंगे हम कुछ लोगों को जी, जी। और शॉर्टलिस्ट करके एक बार फिर जो है एक एक डिटेल्ड जिसको ऑडिशन कहते हैं एप्रोप्रिएट स्क्रीन टेस्ट जी, जी। वो हम करने वाले हैं और फिर वो होने के बाद इन लोगों का मौका देंगे। इसमें मेरा केवल इतना कहना था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है और जिनको अनुभव है, वो खुद भी वो जानते हैं कि वो कितने उसमें एप्रोप्रिएट होगा उनका पार्टिसिपेट करना, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पैन इंडिया पैन वर्ल्ड इसका प्रेजेंस होगा, और अगर आप इस फिल्म में दिखाई देंगे तो आपके करियर के लिए भी ये अच्छा होगा। हम इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कोरोना काल है। कोरोना काल में चूंकि हमारा यूनिट बहुत बड़ा है, मतलब 500-600 लोगों का यूनिट है जी। तो ये कोरोना के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रेस्ट्रिक्शंस पूरे ख़त्म होने के बाद ही इसका शूट हो सकता है, उसके पहले नहीं कर सकते अपन। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम कर सकेंगे, ऐसी स्थिति आ जाए और वो आएगी स्थिति। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब केवल छोटा सा पार्ट इसका बचा है जो क्लाइमैक्स है, तो और बाकी सारा शूट हमारा हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा है और मतलब फिल्म बन के तैयार हो जाएगी जल्दी। तो ऐसे समय में हमने जो VIP पासेस के माध्यम से स्पेशल शोज की बुकिंग का काम चालू किया है, तो इन कलाकारों से मेरा कहना ये है जी। कि भाई आपको मौका मिलने वाला है तो आपके फिल्म के शोज आप क्यों नहीं बुक करते। हमने ये मौका जी, जी। लोगों को दिया है और इसके साथ साथ 5 करोड़ 5 लाख के इनाम की राशि लकी ड्रॉ में जीतने का भी अवसर इसमें हमने दिया है, और वो उस अवसर का फायदा अगर आपको उठाना है, एक तो आप फिल्म में दिखाई देंगे, दूसरा लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक प्रकार से इस फिल्म को सपोर्ट करने का मतलब आप काम करेंगे। तो इसलिए आप और आपके जो परिचित है, आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त लोग हैं, आप उनको कहिए 200 लोगों का एक शो, स्पेशल शो 200 लोगों का है, 500 रुपये का एक VIP पास है, 500 रुपये × 200 1 लाख रुपये होता है, 1 लाख रुपये में एक शो बुक हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, आपको लोग देखेंगे तो आपके करियर के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे समय में आपको ये काम करना चाहिए और इस फिल्म का सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो लोग ऑडिशन के बाद और माइक्रोस्कोपिक ऑडिशन के बाद स्क्रीन टेस्ट के बाद परफेक्ट लगेंगे हमको, क्योंकि हम एक फ्रेम भी ऐसे खराब नहीं करना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो हर एक फ्रेम हमारी रिच दिखे, क्योंकि इसके पहले जो किया है वो आप देखेंगे, आपने कुछ टीजर्स देखे होंगे, तो उनकी क्वालिटी और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, लोग इसकी सराहना करें, ऐसी स्थिति होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब स्क्रीन टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट में मतलब शॉर्टलिस्ट के बाद बोल रहा हूँ मैं जी जी। तो उसमें आप खरे उतरने चाहिए और खरे उतरेंगे, आपको मालूम है ना, तो आप फिल्म का सपोर्ट कीजिए, ऐसे समय में फिल्म का सपोर्ट कीजिए, आपका फ़ायदा ही होगा।
ये बहुत दर्शकों को बहुत बड़ा मौका आपके सामने है, क्योंकि आप में पोटेंशियल है और आप बहुत अच्छे कलाकार तो हैं ही, साथ ही बहुत अच्छे आप इस फिल्म के प्रमोटर भी बन सकते हैं। और इसमें एक स्कीम जो कि एक योजना के माध्यम से आप उसके लकी ड्रॉ में शामिल भी हो सकते हैं और बहुत बड़े इनाम के आप भागीदार भी हो सकते हैं। इस कंपनी ने दर्शकों के लिए तो इनाम रखा ही है, साथ ही इस फिल्म को प्रमोट करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे आप कलाकार ही क्यों ना हो, आपके लिए भी बहुत बड़ा ये मौका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये जो शूट है इस फिल्म का बचा हुआ वो यहाँ पर बालाघाट में संपन्न हो जाए। आपने बहुत बहुत बड़ी घोषणा कर दी है बालाघाट के लिए और साथ ही एक बहुत बड़ा मौका आप दे रहे हैं बालाघाट के कलाकारों को, और साथ ही इनाम के माध्यम से जो आपने बात कही, बाकी ये बहुत बड़ा मौका है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि ये शूट जल्दी ही बालाघाट में संपन्न हो। बालाघाट की जनता जो है आपको पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी फिल्म से जुड़े हैं इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं बालाघाट के बारे में। फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की शूटिंग बालाघाट में होगी। हमारी टीम के सुधीर जी के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले वहाँ जाकर स्टोरी के मुताबिक लोकेशन सर्च किए थे और हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी भी हमारे साथ में थे, आशुत रेखा जी भी थे और उनके साथ में हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश जेठे साहब भी साथ में थे और बालाघाट की कई लोकेशंस हम सब ने देखी। और फिल्म शूटिंग के लिहाज से बालाघाट के नेचर सीन बहुत ही बढ़िया है और वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी हमें कोऑपरेट किया और हम मार्च के एंड में शूटिंग प्लान करने किया हुआ था, लेकिन उसके लगातार पैंडेमिक सिचुएशन से शूटिंग टलती जा रही थी और हमारे हीरो अर्जुन रामपाल जी को भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि अब वो स्वस्थ हैं, उनका नेगेटिव रिपोर्ट भी आ चुका है। फिलहाल तो यहाँ मुंबई में सारी शूटिंग्स बंद हैं। अब जैसे हालात सामान्य होंगे और अनुमति मिलेंगी हम शूटिंग जल्दी शुरू कर देंगे और इसमें बालाघाट के कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा इस फिल्म में काम करने का। थैंक यू। और बहुत जल्दी ही आपके शहर में आपके ही द्वारा अभिनीत फिल्म भी आप देख पाएंगे, जो कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से एक मेगा स्टारर फिल्म आप देख पाएंगे। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो बहुत बड़े मौके से बिल्कुल न चूकें और जल्द ही लग जाएं इस काम पर। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।